के लोग कहते हैं अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये काम उम्मीद है कि ये काम उम्मीद है कि ये काम। तो मैंने कहता हूँ अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। उम्मीद तो लोगों से रखी जाती है। किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक टीचर एक ही सब्जेक्ट का माहिर होता है और उसको वो पढ़ा रहा होता है, जबकि हम एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स बच्चे से सारी ज़िंदगी ये डिमांड करते रहते हैं कि हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए। ये जो एजुकेशन सिस्टम बनाने का पहली थॉट थी या पर्पस था या उन्होंने जो ये इसकी बुनियादें डाली, वो जस्ट एक कार कंपनी थी उसके लिए एम्प्लॉयज़ जनरेट करना मकसद था। इसके पैरामीटर्स को इस तरह से डिफाइन किया गया था कि इससे निकलने ही एम्प्लॉयज़ हैं। बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसको कारोबार समझ के चला रहे हैं। सर, यहाँ पर सही और मुखलिस इंसान की और इंस्टीट्यूट्स की कैसे पहचान? सर, शादी पसंद की करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए। और सर, आपकी शादी पसंद की हुई थी? अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक टोटल हर साल 50,000 लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इन 50,000 लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके न आने से फ़र्क पड़ा है, न जाने से फ़र्क पड़ा है। दुनिया जैसी की तैसे चल रही है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनके आने से तो फ़र्क शायद नहीं पड़ा, लेकिन जाने से दुनिया हाय हाय करके रो उठी। इसकी क्या वजह है? यही सवाल एक मुफक्कर के पास पहुँचा। उसने जवाब दिया कि ये यकीनी तौर पर ये ऐसे लोग थे, ये ऐसे चमकते सितारे थे, जब ये दुनिया से गए तो इनकी रोशनी कम हो गई और दुनिया जो फ़ायदा उठा रही थी उन्हें फ़ायदा मिलना कम हो गया और दुनिया उन उस तकलीफ़ में मुबतला हो गई कि ये आखिर गए क्यों, और वो अल्लाह से उनके जाने के बाद उनकी मग़फ़रत की दुआ करने लगे। यही कुछ सीखने के लिए आज हम मौजूद हैं सर मोहम्मद नासिर साहब के पास। ये नासिर फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज के फाउंडर एंड CEO हैं और दानिश्वर हैं, उस्ताद हैं, बिजनेसमैन हैं। जितना तारुफ़ कराऊँ कम है। इन्हीं से आज कुछ सीखने के लिए, कुछ नई बातें सीखने के लिए मैं इनके पास हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कुछ ऐसे पहलू डिस्कस करना चाहता हूँ जो यूथ को और जो हमारी आने वाली नस्लों को शायद नई राह दिखाएंगे, यकीनी तौर पर नई राह दिखाएंगे। जो पाकिस्तान है और इसकी सोसाइटी है अब ऐसे सियासी लीडर्स के पास है, ऐसे लोगों के पास है जो शायद इसको डायरेक्शन नहीं दे रहे। एक उस्ताद, एक दानिश्वर पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जी, आपने बड़ा लंबा चौड़ा तारफ़ करवाया, आपने इस काबुल समझा। अल्लाह पाक हमें आपके इस एतमाद पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। उस्ताद आजकल की लीडरशिप के बारे में बिल्कुल मायूस नहीं है, बल्कि बहुत पुर उम्मीद है। मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद ने कभी भी हमारी जो 70 साल हिस्ट्री गुजरी है उसमें कभी ये इस दर्जे तक, इस लेवल पे नहीं सोचा जो आज का सोच विचार कर रहा है। उस्ताद शुरू से अपनी ड्यूटीज एक रूटीन के मुताबिक दे रहा था, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि जब उस्ताद ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि मैं अपने मुकाम से खिसका हुआ हूँ। तो उस्ताद अपनी भरपूर तवानाई के साथ अल्लाह ताला की मदद तलब करके अपनी असल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, और बल्कि बहुत तक आ चुका है, क्योंकि उसने ये दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर इस चीज़ का इदराक कर लिया है कि मेरे बगैर माशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। उस्ताद क्या सोचता है? कुछ सोचता है कि ये मेरी नालायकी है, ये मेरी सुस्ती है कि मैं अच्छी लीडरशिप नहीं दे सका कौम को, ये मेरी सुस्ती है कि मैं अच्छी नौजवान नस्ल नहीं दे सका, ये मेरी सुस्ती है कि मैं ऐसे ग्रेजुएट प्रोड्यूस नहीं कर सका कि जो साइंस में तरक्की करने का बायस बनते, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई अपना रोल प्ले कर सकते। तब उस्ताद ने अल्हम्दुलिल्लाह इस नैच पे सोचना शुरू कर दिया है, और उस्ताद बहुत पुर उम्मीद है। वो इसलिए भी पुर उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, ला तकना तुम रहमतुल्ला, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। हमें रहमत तलब करने में हम पीछे रह गए हैं, तो अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छी लीडरशिप भी मिलेगी, अच्छे साइंसदान भी मिलेंगे, अच्छे इकोनॉमिस्ट भी मिलेंगे, और ज़िंदगी हर शोबे में अच्छे इंसान भी मिलेंगे। ज़रूर सर, इंशाल्लाह। सर, यहाँ पर हर बंदा तगुदो कर रहा है, हर बंदा सुबह निकलता है, शाम तक मेहनत करता है, कुछ कमाता है और ज़िंदगी गुजार रहा है,
और उसमें कुछ लोग मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं सर कि वो सुबह से शाम तक जो कमाते हैं वो शायद शाम का खाना ही अरेंज कर पाते हैं, उनका नसीब इतना सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो इतना ज़्यादा कमा लेते हैं अनकाउंटेबल, बहुत ज़्यादा पैसे की सूरत में और बिगर अशिया की सूरत में। इन दोनों के नसीब में सर डिफरेंस कैसे आ जाता है? एक बंदा सिर्फ अपने नसीब को कमा के खा रहा है और एक इतना ज़्यादा कमा रहा है कि उसके इर्द गिर्द जुड़े लोग भी उसे ढेरों ढेर फायदा उठा। ये अल्लाह पाक की तकसीम है जी, बसियत मुसलमान, तो हमें इस चीज़ पे सोच विचार करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ह ऐलान फरमा दिया है कि मैं जिसे चाहूँ बेटे दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ दूँ, जिसे चाहूँ दोने दूँ, जिसे चाहूँ कुछ ना दूँ। हमें उस तकसीम पे तो राज़ी रहना चाहिए जो अल्लाह ताला ने तकदीर बनाई है, जो मेरा नसीब बनाया है उससे मुझे अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश करनी चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस्म के सारे अज़ा दिए हैं, कहीं पे कोई कमी नहीं है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भूखा सोया हूँ। मेहनत हुक्म है अल्लाह पाक का, मेहनत हर इंसान को करनी चाहिए और खूब करनी चाहिए। अल्लाह पाक का भी हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, लेकिन उसके नतीजे क्या निकलेंगे इसकी फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसके लिए एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि आपने सिर्फ जस्ट एक पौधा लगाना है। आप अच्छे पौधे का इंतखाब कर सकते हैं, अच्छी नर्सरी का इंतखाब कर सकते हैं, अच्छी ज़मीन बना सकते हैं, अच्छी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, टाइम पे पानी दे सकते हैं, उसे धूप गर्मी सर्दी हवा बारिश बर्फ़ से बचा सकते हैं, उसे एक तनावर दरख्त तो बना सकते हैं लेकिन उस पर फल और फूल नहीं लगा सकते। इसलिए वो इख्तियार ही मेरे मालिक का है, वो मालिक चाहेंगे तो उस पर फल और फूल लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। जिस तरह हम देखते हैं कि किसी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक टीचर एक ही सब्जेक्ट का माहिर होता है और उसको वो पढ़ा रहा होता है, जबकि हम एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स बच्चे से सारी ज़िंदगी ये डिमांड करते रहते हैं कि हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी उसके अंदर उसकी कारकर्दगी हो, अच्छी परसेंटेज हो, और उसे गिले शिकवे करते हैं, उसे सजाएँ भी देते हैं। इसमें सही क्या है और क्या इसमें सही समझना होगा कि वाकई हमारी सोच में डिफ़ॉल्ट है कि हम उसे हर चीज़ की डिमांड करें, या डिमांड नहीं करनी चाहिए और कुछ नए पैरामीटर्स में सोचना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया है कि बच्चा मास्टर तो किसी एक चीज़ में ही करेगा, किसी एक फील्ड में करेगा, लेकिन बाकी जो हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं वो अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी सारी स्पोर्ट्स जो है ना वो नहीं मिलेगी उसको उसके करने के लिए। क्या बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट लाइन्स हैं? क्या डॉक्टर मैथमेटिक्स के बगैर बन सकता है, तो अपनी कैलकुलेशंस कैसे करेगा? बिल्कुल। क्या मैथमेटिशियन बायो के बगैर सर्वाइव कर सकता है? अब तो फील्ड्स नहीं बन गई हैं, बायोलॉजी में भी मैथमेटिकल बायोलॉजी भी आ गया और बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स भी आ गया। ये क्या है? ये ज़रूरतें हैं वक्त के साथ साथ जिस तरह तरक्की हो रही है इस तरह ज़रूरतें बढ़ रही हैं। स्पेशलाइजेशन जो है ना वो प्रिवेल कर रही है कि पहले इतनी इन्वेंशन नहीं थी जितनी अब है। तो जब आप किसी फील्ड पर टोटल 100% नहीं देंगे तो उस फील्ड में आप कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं? जाना ज़रूरी है और उसके साथ पढ़ाना भी ज़रूरी है। मास्टर वो एंड ऑफ द डे एक ही करेगा। आप छोटे प्राइमरी स्कूल में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हाई स्कूल में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जब आप इंटरमीडिएट में जाते हैं आप एक अपनी लाइन डिफाइन करते हैं, वही टॉपिक्स होते हैं, पहले एक छोटा सा आर्टिकल होता है, फिर वो पूरा चैप्टर बन जाता है, फिर वो पूरी किताब बन जाता है, फिर उस पर कई किताबें आ जाती हैं, चीज़ें उसी तरह से चलती हैं। लेकिन कोई भी फील्ड दूसरे इलम के बगैर नामुकम्मल है, इसलिए हमें पढ़ाना भी सारा ज़रूरी है और उससे अच्छा एक्सपेक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो दिमाग नामी चीज़ बनाई है ये ऐसी चीज़ है कि इसको जितना इस्तेमाल करें ये बढ़ता है। फिर कामयाबी की जो हमारी सोसाइटी और बहुत सारे नौजवान डेफिनेशन करके बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये भी एक थोड़ी सी क्लियर सी हो जाए। वो शोहरत को कामयाबी मानते हैं, वो ज़्यादा दौलतमंद को कामयाब शख्स मानते हैं। कामयाब शख्स एक्चुअल में कैसे कहेंगे सोसाइटी को, ताकि उसे डायरेक्शन मिल जाए, एग्जैक्ट परफेक्ट डेफिनेशन मिल जाए? अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, कुरान पाक क्या कहता है? कुरान पाक ने ऐलान कर दिया अल्लाह पाक ने कि कामयाब वो है जो जन्नत में चला गया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होगी, उसके लिए पैरामीटर भी डिफाइन कर दिए। मैं फिर उस्ताद को इन्वॉल्व करूँगा कि उस्ताद ने ये डायरेक्शन देनी है कि ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह ताला ने तो ऐलान कर दिया कि अगर कोई अच्छा काम करोगे और शोहरत के लिए करोगे तो मैं क़यामत के दिन कोई रिवार्ड नहीं दूंगा, आपको शोहरत दे दिया दुनिया में उसका रिवार्ड दे दिया।
हमें सिर्फ अपने उस बच्चे को ये बात बावर करानी है कि अल्लाह पाक देख रहे हैं और जो काम करना है अल्लाह ताला के लिए करें, और रिवार्ड का तकाजा लोगों से नहीं करना, अल्लाह पाक से करना है। अल्लाह पाक से बेहतर रिवार्ड देने वाला इस दुनिया में और कोई एस्टिमेशन? सर, हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है और इंटरनेट पर मौजूद है कि जो एजुकेशन सिस्टम बनाने का पहली थॉट थी या पर्पस था, या उन्होंने जो ये इसकी बुनियादें डाली, वो जस्ट एक कार कंपनी थी, उसके लिए एम्प्लॉयज जनरेट करना मकसद था, और फिर वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया और अब ये तमाम दुनिया में फैला हुआ है। क्या ये एम्प्लॉयज जनरेट करने ही इसका जो हम जो एक सोच रखी गई थी, इसके पैरामीटर्स को इस तरह से डिफाइन किया गया था कि इससे निकलने ही एम्प्लॉयज हैं, तो क्या हमें इस सिस्टम से अच्छी उम्मीदें तवक्कोआत रखनी चाहिए, या क्या ये अच्छे लीडर्स पैदा कर सकता है? जी, दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं ऐसी सिस्टम ने दिए हैं। हमारा चीज़ों को परखने का, देखने का अंदाज़ अपना अपना है, और इंसानी जबिलत में है कि इंसानी नेचर ऐसी है कि ये नेगेटिविटी को बहुत प्रमोट करता है, पॉजिटिविटी को पता नहीं क्यों उससे आंखें चुराता है या उसका जिक्र नहीं करता। आप जिस जगह भी बैठते हैं, किसी जगह पर डिस्कशन हो रही है, तो नेगेटिव बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोग पार्टिसिपेट कर देते हैं, लेकिन किसी अच्छी बात को प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं। आजकल सोशल मीडिया का रवाज है, ऐसे अब जितने मैसेज आपके फ्लोट करते हैं वो सारे आप देखेंगे तो कोई ना कोई किसी चीज़ पर कोई तनकीद कर रहा है, किसी को कीड़ा निकाल रहा है, प्रमोट नहीं कर रहा। अच्छी की उम्मीद है सर। और सर, जिस तरह सोसाइटी में बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस आए दिन बढ़ रहे हैं और खुलते जा रहे हैं, इसमें वो जो स्कूल्स हैं उनका बुनियाद रखने वाले की थोड़ी सी देर बाद बातचीत करें तो लॉजिक्स जो दे रहा होता है वो बिजनेस की बातें बता रहे हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इसको कारोबार समझ के चला रहे हैं। सर, यहाँ पर सही और मुखलिस इंसान की और इंस्टीट्यूट्स की कैसे पहचान? सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपसे डिफरेंट हो या आप इसे पसंद ना फरमाएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसे ज़रूर कारोबार बना के चलाना चाहिए, उसे ज़रूर इसे बिज़नेस बनाना चाहिए, कोई मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो उसकी प्रोडक्ट है उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट डिलीवर होनी चाहिए। जिस पर्पज़ के लिए स्कूल बना है वो काम होना चाहिए, वो काम नज़र आना चाहिए, बिज़नेस पर कोई इतराज़ नहीं है। क्यों इतराज़ नहीं है? उसने खाना है, पीना है, उसके अपने बच्चे हैं, जो फुल टाइम अपना टाइम दे रहा है वो क्या करेगा? बिज़नेस अलग चीज़ है, ईमानदारी से बिज़नेस करना अलग चीज़ है, लूट मारनी होनी चाहिए। और वो किसी भी बिज़नेस में ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ना अल्लाह पाक इसके में इजाज़त देते हैं, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दिया, ना अल्लाह पाक का कुरान इसकी इजाज़त देता है, ना किसी भी माशरे के अखलाकियात इस देती हैं, ना ही कोई दुनिया में जो भी जितने भी मज़ाहब हैं जिन्हें हम नहीं मानते हैं गलत है, वो भी इसकी कोई भी इसकी फेवर नहीं कर रहा। आप ईमानदारी से करें, जिस जो भी करें कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप स्कूल को खोलते हैं तो आप उसे जो भी सोच करके करते हैं उसे प्रमोट करें। रीज़न क्या है? मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा, इस वक्त भी 3.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, और 2025 तक पंजाब को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को फिगर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, 35,000 प्राइमरी स्कूल चाहिए, जिस रेशो के साथ आपकी आबादी बढ़ रही है। तो अगर ये स्कूल नहीं खुलेंगे तो ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है ये तो आप तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। क्या आप आज के माशरे में इस तालीम के साथ, जिसे आप कहते हैं कि ये कारोबार है, मुखलस और लोग नहीं है इसमें, एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई फ़र्क फील करते हैं आप? अगर आप करते हैं, आप सारा ला रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि जी वो कुछ दे रहे हैं। हाँ जी, ऐसे इसलिए जो ना कोशिश करें कि बी पॉजिटिव। इंशाल्लाह सर, मैं जो बात समझा हूँ वो शायद ये है कि तलीमी जो इदारे हैं वो हम अच्छे इंसान प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं कि वो पढ़ लिखे और अनपढ़ वो शायद सेम ही तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। सर, अगला सवाल ये सर कि जो हमारी सोसाइटी की बच्चियाँ हैं वो FSC तक तो नॉर्मल स्कूल्स में कॉलेज़ में वो तलीम हासिल करें, बट उसके बाद यूनिवर्सिटी के माहौल से खौफजदा होकर बहुत सारे पेरेंट्स उनको यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते, और बहुत सारे जहन में ये ख्याल रहता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाते नहीं हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कुछ ऐसे भी हैं और वो फिर उनको जो सुनी सुनाई मिलती हैं वो उस तरह से सोचते हैं, उनके पैरामीटर्स जहन के उस तरह से बनते हैं ख्याल, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं भेजते कि वहाँ का माहौल ख़राब है, और इसमें किसी हद तक हकीकत भी है शायद। तो इस ख़राब माहौल में क्या हमें बच्चियों को यूनिवर्सिटी के में तलीम के लिए भेजना चाहिए? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब है।
जो लोग मेरी नाकस शक्ल के मुताबिक या इलम के मुताबिक जो है वो ये है कि जो लोग यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे उस खौफ की वजह से नहीं जा रहे हैं। और भी राम जमाने में एक मोहब्बत के सिवा सिर्फ पढ़ाई के अलावा उन्होंने अपना रोज़गार भी चलाना है, माँ बाप बूढ़े हैं बीमार हैं उनको करना है, तो वो अपने रोज़गार की चक्की में इस तरह से फंस जाते हैं कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उन्हें तालीम के दायरे से निकलना पड़ता है, मजबूरियाँ हैं। हमारी रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपने किया था तो उसका जवाब ये दिया था कि जब तक स्टेट किसी बंदे को इनका कॉन्फिडेंस नहीं देती कि डोंट वरी आई एम विद यू, उस वक्त तक वो बेचारा अपना जिम्मेदार खुद दिया वो सोचता है। कुछ लोगों के अल्लाह ताला ने स्ट्रांग नर्व्स के साथ पैदा किया है, कुछ मेरी तरह वीक नर्व्स वाले होते हैं, वो हालात का मुकाबला करते हुए हार मान लेते हैं और वो इसको छोड़ के तो वहाँ चले जाते हैं, समझते हैं कि शायद ये ज़रूरी काम है, पर है भी ज़रूरी है। या किसी बच्चे को प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स? नो, नॉट एट ऑल। पहले पेरेंट्स हैं फिर तालीम है। सर अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और थोड़ी चीज़ों को पॉइंट ऑफ की तरफ, सर शादी पसंदगी करनी चाहिए अरेंज मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं तो यकीनी तौर पे आपसे जो रहनुमाई मिलेगी वो जहन में रखते हैं हम सारे और हमें सबको फ़ायदा मिलेगा, अरेंज करनी चाहिए या पसंदगी करनी चाहिए? और सर आपकी शादी पसंद की हुई थी या अरेंज? सर इसे हम ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं शादी को, अगर उसकी दो ब्रांचेस बना देते हैं, एक अरेंज मैरिज कर देते हैं एक लव मैरिज कर देते हैं। ठीक है, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ जो कहता है कि शादी अरेंज होनी चाहिए। क्यों? सिर्फ एक ही लॉजिक है कि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर जो माँ बाप की मोहब्बत औलाद के साथ है उससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है, बेशक ये ट्रू लव है। माँ बाप अपनी औलाद के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, और उनकी इस उम्र पर मालदान वाली उम्र पर पहुंचने तक बहुत सारा तजर्बा उसमें शामिल हो जाता है। मोहब्बत और तजर्बा दोनों मिल के फैसला करेंगे तो बेहतर फैसला होगा। लव मैरिज के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो लोग लव मैरिज करते हैं ना वो चमक दमक आर्जी जाना वो वक्ती तौर पर वो देख लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो कहते हैं यार क्या गलत फैसला किया था। तो अगर किसी को लव मैरिज करनी है ज़रूर करे, लेकिन लव मैरिज भी अरेंज होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर। नौजवान आपके स्टूडेंट्स में से ये सवाल आए हैं एक कि अच्छे शौहर की क्या खसूसियात होनी चाहिए और अच्छी बीवी में क्या खसूसियात होना ज़रूरी है एक रिश्ते को बैलेंस और बरकरार रखें? नौजवानों की अगर ये सवाल है तो उनको जो है ना मेरा जवाब यही है कि आप अपने घर में देखें कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी वालदा के साथ आपके वालद साहब का क्या बर्ताव होना चाहिए। अगर मेल हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मेरी वालदा के साथ मेरे वालद साहब को कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा उनके साथ उसका सलूक करना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आप देखें कि मेरी माँ को कैसा शोर चाहिए, तो ये काफ़ी है मेरा ख्याल उनकी रहनमाई के लिए। बेशक सर, मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि नासिर साहब का बचपन कैसा गुजरा, शरारती था, लायक ना लायक था, कैसा था और ये सफ़र बचपन वाला? मैं शुरू से अच्छा बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था और तालीमी कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक ने मदद फरमाई है, ठीक गुजरा है, क्योंकि बहुत बहुत ठीक गुजरा है। और सर नासिर के फ्यूचर प्लान्स क्या चल रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं आजकल, किन को हदफ किए हुए हैं आपने अगर शेयर करना चाहें? सर ज़िंदगी में कभी कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की है, एक प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो हर वक्त साथ है, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक से गुजारिश है, इल्तिजा है कि वो मरते दम तक साथ रहे। टारगेट यही है कि जन्नत में जाना है इंशाल्लाह। और कोई टारगेट लंबी चौड़ी नहीं है। आपकी सर माशाल्लाह ज़िंदगी सिरा पे अमल है और आपके इल्म की रोशनी की वजह से हम ही जो फायदा करते हैं, ये कुछ अच्छी भी राह पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उसका भी अजर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप तक पहुँचेगी, और इंशाल्लाह ये टारगेट तो इसकी हमारी दुआओं से भी हो जाएगा इंशाल्लाह। सर आखिर पे आप यूथ को और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरी मुख्तसर सी गुजारिश होती है कि सब्र, मेहनत और ईमानदारी,
सब्र, मेहनत और ईमानदारी, छोटा सा फार्मूला है। इसको अगर अपनी ज़िंदगी का मिशलेरा बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इल्तिजा है यूथ से कि अपने हिस्से की क्षमा जलाने की कोशिश करें, दूसरों के उस्ताद ना बने। और जो मैसेज मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ वो आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, वो सिर्फ इतना है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और कि मोहम्मद से वफात को नहीं पाते रहे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कदम क्या लोहो कदम। अगर ये बात समझ आ जाए तो कोई दुनिया की ताकत आपको ना दुनिया में तरक्की से रोक सकती है ना आप तक रोक सकती। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो मैंने बेसिकली सर से सीखा और जो मेरे जहन में चीज़ें क्लियर हुई, वो एक उस्ताद का बहुत ही अहम रोल है, जो कि सर समझते हैं क्या वो वक्त के साथ समझ गया है और मज़ीद उसको समझता जा रहा है। और एक उस्ताद ही है जो अच्छी लीडरशिप भी देगा, अच्छे लोग भी देगा। और इस उस्ताद को नसीहत की जा रही है कि वो सब्र के साथ चले, शुक्र के साथ चले, ईमानदारी के साथ चले, तो यकीन तौर पर उसके लिए सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू।